हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है सीवी रीसाइज एक एरर दे रहा है, दैट इज अगेन सेम -215 एसर्शन फील्ड। और यहां पर दिखा रहा है मतलब इंटरजेक्शन साइन दैट स्टैंड्स फॉर नॉट, और मतलब ये कुछ एरर आ रही है जो कि हमारी सुप्रियो पॉल ने कमेंट करके बताया है कि इस एरर को सॉल्व कर दो। तो यार, अब हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को भी सेम एरर आ रहा है, -215 एसर्शन फील्ड साइज एम्प्टी सीवी रीसाइज। तो यार, ये एरर क्यों आता है पहले ये देखते हो, फिर इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक इमेज रीड कर रहा हूँ capture.jpg, और उसके बाद में मैं यार उसे रीसाइज कर रहा हूँ इमेज को 300x300 में, और फिर उसे शो करा रहा हूँ। तो मैं आपको अपनी capture.png भी दिखा देता हूँ। तो यार, ये यहाँ पर मेरे पास एक capture.png ये वाली जो इमेज है, इसे मैं रीड करूँगा। तो इसे रीड करते हैं चलो, और इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप मेरे पास ये एरर आ रहा है। तो बेसिकली ये एरर क्या बता रहा है कि यार आप एक एम्प्टी इमेज को रीसाइज करा रहे हो। तो एम्प्टी इमेज कैसे है, यहाँ पे आप एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन है .png, और मैं यहाँ पर एक्सटेंशन दे रहा हूँ .jpg। तो यार, पहला रीजन तो ये होता है कि अगर आप एक्सटेंशन गलत दे देते हो तो आपके पास ये एरर आती है। अब हम मैंने एक्सटेंशन सही कर दिया है, यहाँ पे .png कर दिया है। अब इसे दोबारा रन करा के देखते हैं। तो यार, यहाँ पर देखो मेरी इमेज परफेक्टली शो हो चुकी है और रीसाइज भी हो चुकी है। अगर जो दूसरा रीजन होता है वो होता है यार, अगर आप यहाँ पर पाथ गलत दे देते हो किसी भी, लाइक मैं अपनी पाथ देता हूँ एक इमेज की अटेंडेंस, और उसके बाद में एलोन -jpg। तो मैं यहाँ पर इसको रन करा के देखता हूँ कोड को। तो यहाँ पर यार देखो मेरे पास एक एलोन मस्क की इमेज आ रही है जो कि इमेज रीसाइज होके परफेक्टली आ चुकी है। लेकिन अब क्या करता हूँ मैं, सपोज करो ये डबल स्लैश हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसे हटाने के बाद अगर मैं अब इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराता हूँ, तो यार यहाँ पर एक एरर दोबारा से, सेम एरर मेरे पास आ चुकी है। वो एरर इसलिए आई है क्योंकि जब मैं पाथ दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी इमेज जो है उसका नाम है elon-test.jpg, यानी कि यहाँ पर जो है मेरे पास में स्पेस है। तो यार, ये एरर जब दे देता है जब आपके पास पाथ में स्पेस हो। इसी तरीके से सपोज आपके पास कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के नेम के बीच में स्पेस है, तो ये एरर दे देता है। तो इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं इन डबल स्लैशेस की हेल्प से। अगर आप डबल स्लैश लगा देते हो अपनी पाथ रीड करते टाइम में और फिर रन कराते हो इस फाइल को, तो यहाँ पे देखो परफेक्टली मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो गाइस, आप इसे दो तरीके से रिमूव कर सकते हो। पहला तो ये था यार, डबल स्लैश लगा सकते हो, और दूसरा ये है कि आप इसे एज अ रॉ स्ट्रिंग पास कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है आर। अब मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और दोबारा से रन कराता हूँ। तो देखो परफेक्टली मेरे पास इमेज शो हो रही है। तो बेसिकली गाइस, जो वो एरर आ रही थी उसका रीजन यही था कि हम इमेज रीड करते टाइम इमेज एक्चुअल में परफेक्टली रीड नहीं हो पा रही थी, जिसके चक्कर में वो एम्प्टी इमेज को रीसाइज कर रहा था, तो वो आपको एरर शो कर रहा था। तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप यार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर यार आप इस लिंक पर जा सकते हो यहाँ पर मशीन लर्निंग से, या फिर कोई भी मतलब आपको एरर आ रहा है तो यार यहाँ पर अपना एरर डालना, हम उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो पहले से एक बंदे ने एरर डाली हुई है, यहाँ पे डिस्कशन स्टार्टेड है, तो यहाँ पर मैं आपकी एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।